नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एलजेब्रा से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और इसके बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखोगे कि 5 + 2√6, 5 − 2√6, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर आप इसको एक्स मानते हैं तो ये 1/x हो जाएगा। ए मान लेते हैं, अगर ये ए है तो ये 1/a है। देखो कैसे, a जो है वो 5 + 2√6 है ना। तो अगर मैं इसका 1/1 पूछूं आपसे तो आप कहेंगे 1/5 + 2√6। इसका मैं कर दूंगा रैशनलाइज, 5 − 2√6 बाय में 5 − 2√6, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे हो गया 25 माइनस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, रूट सिक्स का स्क्वायर 6, 6 4 = 24, और ऊपर आ गया हमारा 5 − 2√6। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। 25 − 24, 1, और 1 डिनोमिनेटर में कोई इतने मायने नहीं रखता है ना। तो 1/a आ गया हमारा 5 + 2√6, यानी कि ये a है तो ये 1/a है, और अगर ये b है या a है तो ये 1/a है, यानी कि 1/b। दोनों को मैंने अलग अलग से ले लिया, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने का मतलब सिंपल सा, इस बात से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो भी वैल्यू है, ये जिस भी वैल्यू के इक्वल आया, अगर ये 5 के इक्वल आया तो ये 5 के इक्वल होगा, या फिर ये -5 के इक्वल आया तो ये भी किसके इक्वल होगा, -5 के इक्वल। यानी कि ये जिस भी वैल्यू के इक्वल हुआ, या तो वो पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होगा या फिर वो किसके इक्वल होगा, माइनस वैल्यू के इक्वल। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, इस बात को समझा देता हूं। मान लो x² + 1/x² ओके है, तो सेम बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूं 1/(x^-2) + इसको ऊपर ले जाके x^-2, है ना। यानी कि ये जिस भी चीज के इक्वल है, मान लो ये 5 के इक्वल है तो ये -5 के भी इक्वल होगा, अगर ये 3 के इक्वल है तो ये -3 के भी इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि अगर x^n + 1/(x^n) है तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/(x^-n) + x^-n। दोनों बातें क्या है, बिल्कुल सेम है ना। चलो इतनी बात भी आपको समझ आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी और लास्ट बात देखो, ध्यान से सुनो, ये कब टेन होगा, ये तभी टेन हो सकता है अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर ये वैल्यू किसके इक्वल है, आपकी 1 के इक्वल है। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, ये 1 के इक्वल आ गई, तो ये जो है 5 + 2√6 और वो भी 5 − 2√6, ये और ये कट जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और मैंने कहा या तो ये 1 के इक्वल है या फिर ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, क्योंकि आपको दोनों बातें समझ आ गई हैं। तो अब हम सॉल्व कर देते हैं। पहला केस ले लेते हैं हम, केस फर्स्ट, यानी कि x² - 3 किसके इक्वल है, या तो 1 के इक्वल है, और केस टू में क्या, या फिर x² - 3 जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब इससे सॉल्व कर देते हैं, x² = 1 + 3, x² = 4, x = ± 2, या तो x + ± 2 के इक्वल है, या फिर x² = -1 + 3, x² = 2, x = ± √2। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है ना, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। और इन सब वैल्यू, ये एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यू है, यानी कि 4 पॉसिबल वैल्यू निकली। पहली निकली हमारी 2, सेकेंड निकली हमारी -2, नेक्स्ट निकली √2, और नेक्स्ट निकली -√2। उम्मीद कर रहे हैं आपको बात समझ आ गई है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर सब पॉसिबल वैल्यू का आप सम करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है ना, क्योंकि मैंने कहा अगर 5 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो वो -5 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कल अगर ऐसा पूछ ले फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो आंसर इज ऑलवेज 0, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, 0 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ आ गई है, बात समझ आ गई है। तो आपको करना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा ध्यान, तब तक के लिए नमस्कार।